दूसरे प्रेमी दे नाल मिलके महिला ने पहले प्रेमी दा कीता कतल। व्याहुता औरत दे नजायज संबंधा ने नौजवान दी लई जान। दस दे के वड्डी वारदात हुई है जिथे एक महिला ने अपने एक प्रेमी दे नाल मिलके दूसरे प्रेमी दा कतल कर दिता, जिस तों बाद उसकी लाश नू उन्होंने पानी दे विच सुट दिता। मिली जानकारी अनुसार सलेंद्र कौर का 6 साल पहला व्याह होया सी, ते उसका पति एक इलैक्ट्रीशियन सी जो कि रात समय ड्यूटी ते जांदा सी। ते इसे समय दौरान यह महिला अपने प्रेमी सुमित जो कि 25 साल का सी उसनू अपने घर बुला लेंदी सी, जिसका कि सारे पिंड नू भी पता सी। ते इसी समय दौरान महिला की पिंड दे ही एक दूसरे मुंडे दे नाल भी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, जिसका नाम गुलशन है। अते फिर महिला का ध्यान सुमित वल घट जाता है, जिस तों बाद गुलशन उसनू कारण पुछदा है तो वह दसदी है कि सुमित नू उन्हां बारे सब पता लग गया, जिस कारण वह उसनू परेशान कर रहा है। तो फिर यह दोनों उसनू मारन की साजिश करते हैं। इसी तहत महिला फोन करके सुमित नू बुलाउंदी है, तो रस्ते दे विच गुलशन खड़ा हुंदा है, जिस तों बाद इन्हां दोनों दे विच बहस हो जाती है। तो फिर यह एक दूसरे के नाल हथों पाई हो जाते हैं। फिर मौके तो जो सुमित भजन की कोशिश करता है तो गुलशन पिछों जाके उसनू फड़ लैंदा है, तो गला घोट के उसनू मार दिंदा है। अते जिस तो बाद इस संबंधी सूचना सलेंद्र कौर नू दिंदा है कि उसने सुमित का कतल कर दिता है। फिर जिस तो बाद वो दोने इसकी लाश नू पानी दे विच सिटाउंदे ने। अते दो दिन बाद जब सुमित घर दे विच नहीं आउंदा तो परिवार वाले इस संबंधी सूचना पुलिस नू दिंदे ने। फिर पुलिस नू इस महिला ते शक हुंदा है, तो जब इस तो सख्ती दे नाल पुछगिछ की गई तो इसने सारा जुल्म कबूल लिया, तो पुलिस ने सलेंद्र कौर अते गुलशन दोनों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंधी उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि किस तरीके दे नाल इन्हां वालों सुमित का कतल किया गया, जिस तों बाद हाले तक सुमित की लाश नहीं मिली। दस दे कि मामला करनाल का जिथे वड्डी वारदात हुई है, महिला ने अपने एक प्रेमी दे नाल मिलके दूसरे प्रेमी का कतल कर दिता। उसे फोन पर बुलाया गया जी, धोखे से बुलाया गया जी, वो खेत में हत्या करी जी उसकी जी, बुला गए जी। कौन है कि जी, किन पर शक है, कौन कौन है वो? अपने परिवार की है जी। आपके परिवार की? हाँ जी। तो क्या मामला आपको लग रहा है अभी, किस वजह से हत्या की है? बस इस बात का मतलब ये नहीं पता जी, कैसे हो करी हत्या, कैसे तो नहीं। पुलिस ने पूछताछ करी उनसे? हाँ जी, पुलिस ने पूछताछ करी। पुलिस ने पूछताछ करी है तो जब तो ये यहाँ गिर के गए, नहर में गिर के गए वो। बस अगली बात का मैंने पता नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं सकता जी ज़्यादा जी। 23 तारीख के लापता है सर, मेरा भाणजा लगता था ये। तो क्या अब क्या पता चला है? भाई यही पता चला है कि भाई हम जो उन्होंने कल उगला है भाई, मार के हम नहर में डाल दिया, वो पल्ली में बांध के। अच्छा, तो परिवार के लोग हैं वो? हाँ जी। तो इसी के सुमित के गाँव के भी है एक। अच्छा, कितने लोग हैं वो? 2-3 है जी। पिना पे? हाँ जी। तो फिर उन्होंने ही ना बातचीत की जी, तो उन्होंने कुछ जो भी होया कल ले गए थे उन्हें सीए स्टाफ में जी, वहाँ पे जो भी उगले वहीं पे करे जी। फिर रात बताया जी उन्होंने मार को 8 बजे, भैया ऐसे ऐसे करके हो गया। ये मेरे को 4-5-6 दिन पहले पता लगा था, मतलब 2-3 दिन पहले ही, कि मेरा लड़का गायब हो रहा गांव से। तो फिर उसका जैसे वगैरह पूछताछ की, फुटेज वगैरह निकाली, उसमें पता लगा भाई लड़का ये इसके अंदर शायद इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर उसके शक के आधार पे उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद उन्होंने मान लिया भी हाँ भाई हमने उसको मर्डर किया। कितने लोग अरेस्ट करके? 2 लड़के हैं और 1 लेडीज है। पुलिस ने पकड़ रखे? पुलिस ने पकड़ रखे। कुंजपुरा पुलिस ने? कुंजपुरा पुलिस ने। और ये कहाँ का रहने वाला सुमित? सुमित गांव मुगल माजरा के रहने वाला है। और 23 तारीख से लापता है? 23 तारीख से लापता है। आज भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही? हाँ जी, अब तक भी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो मैं सुबह किसी से बात हुई है? तरसे में एसएचओ से बात हुई? हाँ जी, क्या कह रहा? सुबह से मैं वही थाने में बैठा था, तो जो गोताखोर से बात नहीं हो पा रही थी, एसएचओ साहब का फोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर उनसे उनके सामने मैंने उन्होंने उनसे नंबर लेके मैंने बात की, तो फिर मेरा फोन उठा लिया। फिर एस एस साहब ने उनको बोला भी है भी हाँ भी मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप, उनका फोन उठा लिया भी, सुबह मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ हो आप? तो अब क्या चाहते हैं आप, ये गांव वाले खड़े हैं सारे? मैं गांव वालों को यही, गांव वालों को यही आश्वासन देना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इनकी डेड बॉडी मिल जाए और हम अपना इनको करें। तो नहर में ये तो इंतजार कर रहे हैं, रात के बैठे हैं? हाँ जी जी, इंतजार करें, पर इनको इनका भी इंतजार जाया जाए। और एस एच ओ साहब से मेरे सामने बात हुई सुबह से, उन्होंने अपनी डिटेल भी दिखाई है। 8 बजे रात को उन्होंने फोन किया था, यहाँ सुबह 9 बजे। तो मामला क्या है, बड़ा पेचीदा मामला है कि डेड हत्या क्यों की उसकी? अब मेरे को इसके बारे में आपसे रंजीत, ये तो खुद ही बताएंगे भी क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं।
अभी हमारे पास यही सूचना है कि सुमित लड़का है जिसकी 25 साल के करीब उम्र थी और जो 23 तारीख से मिसिंग था और 26 तारीख को इन्होंने हमें सूचना दी और उसमें हमने FIR दर्ज करी। तो उसके बाद जैसे ही हमने पता लगा कि भाई इसका हत्या भी हो सकती है तो सभी एंगल से देखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसकी डेड बॉडी अब तलाश करेंगे। हाँ, उसकी अभी तलाश कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों द्वारा खुलासा हो गया कि उन्होंने डेड बॉडी नहर में फेंकी है। अभी देखो पता लगा है और जैसे ही कोई बात क्लियर होगी फिर उसके बाद। लड़की के चक्कर में पूरी वारदात हुई है। अभी देखो पहले डेड बॉडी मिल जाए फिर उसके बाद असली क्या मामला था क्या नहीं सारी बात फिर आप किसी को उठाया भी गया के बिना पे पूछताछ की जा रही है और जो आरोपी है पूछताछ जारी है। हाँ जी, पूछताछ जारी। तो सुमित ये कौन से काम का रहने वाला था? मुगल माजरे के।